हे गाइस, आज बनने जा रहा है मन किचन में एक सात्विक फूड जो मेरी दादी माँ की रेसिपी है। और मेरी दादी माँ बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, उनका ये सात्विक खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बनने जा रहा है भिंडी की कढ़ी और तुअर दाल की खिचड़ी, जो ऐसा कॉम्बिनेशन आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें भिंडी, भिंडी की कढ़ी बनेगी। भिंडी 4 टेबलस्पून बेसन लिया है और हल्दी और 3 कप मैंने छाछ ली है। और तुअर दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने हाफ कप तुअर दाल, हाफ कप चावल लिए हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से। अब मैं इसको एक कोरे कपड़े से पोंछ लूँगी, फिर इसको गोल गोल कट करूँगी। तुअर दाल की खिचड़ी बनाने के लिए तुअर दाल को और चावल को मैं मिक्स करूँगी और 2 बार पानी से वॉश करके मैं खिचड़ी बनाऊँगी। दाल चावल को मैंने धो के कुकर में रख दिया है, गैस ऑन किया और मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाले। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर मिक्स करके कुकर को बंद करके हमें 4-5 व्हिसल लगानी है मीडियम गैस पर। खिचड़ी हमारी बन रही है, तब तक हम कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने लिया है छाछ और बेसन। बेसन को मिक्स करके हम मिक्स कर लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए गैस ऑन करके मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। इसमें हम राई ऐड करेंगे। और साइड में 5 व्हिसल बज चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे खिचड़ी की और साइड में कढ़ी बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। राई आने पर जीरा ऐड करेंगे, जीरा से हमारा टमी नहीं बढ़ता। और इसमें हम हींग ऐड करेंगे। हींग के बाद हम करी लीव से हमारे हेयर अच्छे होते हैं। और इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। अब ऐड करना है कटी हुई भिंडी। इसको सौते कर लेना है। सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे, नहीं तो भिंडी चिकनी हो जाती है। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, जब तक चिकनापन चला ना जाए तब तक। थोड़ा गैस फास्ट करेंगे। क्रिस्पी करना है थोड़ी भिंडी को। भिंडी हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसमें
मसाला करेंगे। मसाला के लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, दाना जीरा मिक्स है उसका पाउडर। और सॉल्ट तो हम बाद में ही ऐड करेंगे, इसको आप हिला देंगे अच्छे से। अब हम कढ़ी का मिश्रण तैयार किया था छाछ और बेसन का, वो ऐड कर देंगे। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करते जाना है। कढ़ी को हम थोड़ा पकाएंगे। कढ़ी हमारी उबल चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। 7-8 मिनट तक मैंने उबाला है। खिचड़ी का कुकर भी ठंडा हो चुका है, अब हम चेक कर लेंगे खिचड़ी बन गई कि नहीं। खिचड़ी को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1/2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे, अब हम सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ की यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी तैयार है, तुअर दाल की खिचड़ी एंड भिंडी की कढ़ी। आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय, टेक केयर।